अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी रेशन कटलेस, चिकन रेशन कटलेस बनाना बताऊंगी। इसके लिए लिया है हमने ये सामान, 2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, आधी चम्मच अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये फरज बीन है जिसे हमने 1 कटोरी लिया है, गाजर लिया है 1 कटोरी, शिमला मिर्ची लिया है 1 कटोरी, और ये चिकन लिए है जो 1.5 कटोरी है भर के, और गरम मसाला है 1.5 स्पून, और ये 3 आलू लिए हैं मैश किए हुए, और ये है कॉर्नफ्लावर जो 1 से 2 चम्मच लगेगी, और मैदे का आटा है जो 1 चम्मच हम लेंगे, और उसके लिए 1 कप मिल्क, और ये है चिकन मैगी क्यूब्स, ये हमें 1 पूरा डालना है। इसको हमने चिकन को बॉईल करके रखा हुआ है, अदरक लहसुन डाल करके इसे बॉईल करके रेशे किए हुए इसके। अब बनाना स्टार्ट कर, सबसे पहले हम लेंगे 3 चम्मच ऑयल, फिर हम डालेंगे इसमें जीरा, इसे हम थोड़ा सोते करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और ये हरी मिर्ची, फिर हमें इसे भूनना है थोड़ी देर। प्रोटीन डालेंगे हम, गाजर डालेंगे, और इसे हम मिक्स करेंगे। इसे हमने 5 मिनट के लिए सौते किया है, फिर इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, इसे 1 मिनट के लिए इसे हिलाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने 1.5 कप लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और डालेंगे मैगी का 1 क्यूब, इसमें लेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। एक कप मिल्क में हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1/2 चम्मच 1.5 टेबल, और 1 चम्मच मैदे का आटा, फिर हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम ये हमारा हो चुका है चिकन, अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मिल्क में बनाया था, फिर हमें स्लो आंच पर इसे मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें दूध डाल सकते हो, और 3-4 चम्मच दूध डाल देना, जिससे ये थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए, थोड़ा एकदम थिक नहीं होना चाहिए, थिक होने से नहीं अच्छा लगता है। अब हम डालेंगे चीज़ स्लाइस, दो लिए जो हमने 2 चीज़ स्लाइस डाली है। एक ढक्कन में इसमें सिरका डाल रही हूँ, विनेगर, और 1 चम्मच चिली सॉस। अब हम इसे मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे 3 उबले हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हुए, अब हम इसे मिक्स करेंगे। Thank you.
फिर हमें सिर्फ 5 मिनट तक के इसे ऐसा मिक्स करना है। थोड़ा सा ये हो गया अच्छे से मिक्स, अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी बनाएंगे कटलेट्स। ये ठंडा हो चुका है, अब थोड़ा सी लेंगे ऑयल हाथों में और लेंगे ये थोड़ा सा मसाला। फिर हम लेंगे सेव, जिसमें हम इसे मिक्स करेंगे। सेव की जगह पे आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। फिर हम इसे इस तरह से सब बना लेंगे। ये कबाब हो गई है हमारी तैयार। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और हम उसमें डालेंगे थोड़ा सी पानी, 1 घूंट पानी डालेंगे। फिर हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से जब हम फ्राई करते हैं तब अंडे जो ऑयल में डालने के बाद में जो ये ऑयल पूरा बाहर आता है वो नहीं आता है। तो डालेंगे इसमें अंडे, कभी भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो अंडे के साथ में कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालें, जिससे ऑयल में बबल्स नहीं आते हैं और अच्छे से फ्राई होता है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सी नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। करके फिर इसे हम फ्राई करेंगे। अंडे में डिप करके हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे पलटाएंगे। देखिए जरा भी इसमें बबल नहीं आ रहे हैं और तेल नहीं उबल रहा है कॉर्नफ्लावर की वजह से। हमने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सी चीज। ये कटलेट्स हो गई हमारी तैयार। देखो इतनी सारी बनी है, थोड़ी हम बाद में फ्राई करेंगे। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।